और से देखो इन ठगों को, ये जितने देखने में सीधे हैं ये उतने ही बड़े शातिर हैं। नोएडा पुलिस ने ठगों की गैंग का पर्दाफाश किया है। पूरा मामला क्या है मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 3 नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ओएलएक्स पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने एवं अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों की नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग इनके ठगी के कार्यालय थे, जहां से बैठकर ये लैपटॉप और ऑनलाइन के माध्यम से ठगी करते थे। नोएडा पुलिस को जैसे ही शिकायत मिली, तुरंत शिकायत को संज्ञान में लेते हुए नोएडा पुलिस के आला अधिकारियों की टीम व थाना फेज 3 की पुलिस ने मिलकर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर ओएलएक्स पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो क्या है पूरा मामला, ये किस तरह से नोएडा में ठगी करते थे और अब तक नोएडा के किन किन शहरों में ठगी कर चुके हैं और भारत के किन किन राज्यों में ठगी कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं इस खास खबर को क्या है पूरा मामला। हमारे साथ है एडिशनल कमिश्नर एसएम खान, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे नोएडा पुलिस ने इन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया है और क्या है पूरा मामला। खुलासा किया गया है किस तरीके से इस घटना का खुलासा किया है? देखिए थाना फेज 3 में सूचना हमारे पास थी कि एक व्यक्ति है वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ थाना फेज 3 में स्थित एक होटल में रुके थे। उनके स्टे के कुछ दिनों बाद उनके और उनके दोस्तों के पास उनके स्टे के जो मोमेंट्स थे उनकी कुछ वीडियोस वगैरह आती हैं और एक्सट्रॉशन मनी डिमांड करी जाती है। थाना फेज 3 की जो क्राइम टीम है और जो जोन की क्राइम टीम है इसके अनावरण का प्रयास करती है और इसमें दो लोग जो कि एक का नाम अब्दुल बहादुर और एक का नाम विष्णु सिंह है का नाम सामने आता है, उनको हम गिरफ्तार करते हैं। तो वो दोनों बताते हैं कि उस कपल के स्टे के कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पे उसी रूम को बुक किया था और वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया था जिससे लगातार वो वहाँ की स्ट्रीमिंग ले रही थी। फिर फाइनली जब एक कपल उस स्ट्रीमिंग में आता है तो वो उस कपल की प्रोफाइलिंग करते हैं और उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और उनके जो फ़ोन नंबर थे उस पर वो वीडियोज़ भेजते हैं और एक्सट्रॉशन मनी डिमांड करते हैं। जिस बैंक अकाउंट में और जिन सिम से इन्होंने ये काम करने की कोशिश करी उसकी डिटेल्स ली गई तो इन्होंने बताया कि कन्या गैंग है जो कि इस तरह की किट सप्लाई करता है जिसमें सिम, पासबुक, बैंक का एटीएम और बैंक की अन्य सुविधाएं होती हैं। उस गैंग को भी ट्रेस किया गया। इसमें 2 लोग हैं, एक पंकज है और एक अन्य व्यक्ति सौरभ है। ये इस तरह की किट 10,000 से 15,000 में सप्लाई करते हैं और लगभग इसके अलावा भी कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इस तरह की किट्स ये लोग सप्लाई कर रहे हैं और इनका जामतारा से भी कनेक्शन है। पंकज गिरफ्तार है, अन्य साथी सौरभ इसमें वांछित है। अभी इन्होंने बताया कि हाल में ही इस तरह की किट्स इन्होंने एक अन्य व्यक्ति अनुराग को दी हैं जो कि एक कॉल सेंटर चलाता है। अनुराग के भी यहाँ पे 3 कॉल सेंटर चलते थे जहाँ दबिश दी गई। ये एक दुबई बेस्ड कंपनी बन के लोगों को आईफोन, ड्यूटी फ्री आईफोन या कम पैसे में आईफोन दिलाने के लिए कॉल सेंटर चलाता था। 2 साल से लगभग इसके 3 कॉल सेंटर चल रहे थे जिनका पर डे का ट्रांजेक्शन 1 से 2 लाख रुपया था। वो सब भी सीज करा जा चुका है और अनुराग भी गिरफ्तार हो चुका है। इसमें बरामदगी में लैपटॉप्स हैं, कई सारे आईडी कार्ड्स हैं उस दुबई बेस्ड कंपनी के जिसको ये रिप्रेजेंट करने का दावा करते थे। उसके अलावा वाईफाई मॉडम आईडीज वगैरह। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।